होता है, मालिक उसके पीछे पीछे, वो जिधर जाता है वो उधर जाता है। ये आदमी की, आदमी के को खाने को रोटी नहीं मिल रही उस देश में, जब कुत्ते डबल रोटी और मक्खन खाते हैं तब कहना चाहता है एक व्यंगकार। सुनिएगा, बात की तह तक पहुंचे तो तालियां बजाकर मुझे भी आशीर्वाद का हक मिल है मुझे लेने का। सुनिएगा, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए, अरे टीवी सीरियल याद रहा पर घर की कहानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा पर घर की कहानी भूल गए, भूकंप में हजारों मरे गुजरात में, कोई नहीं रोया, होली के कपड़े पहुंचा के हम दानवीर कर्ण हो गए, अहमदाबाद में 12 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन लगी, कपड़े पहुंचाए, रोया कोई नहीं, पर तुलसी का पति मिहिर मर गया तो पूरा देश परेशान हो गया। टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए, हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। आजकल लोग प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे घुटने छू के एहसान कर रहे हूं। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए, हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। और जिन दो पंक्तियों के लिए आज पंक्तियां लिखी हैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचना चाहती हैं, लाइक कीजिएगा, मांगे तो तालियां, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए, हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए, अरे दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, कमेंट। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस, कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि इसने कसम खाई थी, ये तो ज्ञान की बात करने लग गया। ये सरदार जी बहुत कमेंट कीजिएगा, कर रहे हैं पैसा लगे, मित्र है सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, और लाइक कीजिएगा, उज्जैन में सिख समाज के अध्यक्ष, शेयर भी कीजिएगा, शेयर रहे तो मेरे से कहने, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैंने कहा ये कमेंट में बताइएगा पैसा लगे। बोले इससे क्या होता है, मैंने कहा इससे विचार आते हैं। बोले साले इतने से एंटीने से विचार आते हैं, फिर तो मेरा पूरा माइक्रोवेव टावर है, मेरे को विचार क्यों नहीं आते। मैंने कहा सरदार जी विचार तो आपको भी आते हैं पर दाढ़ी की अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं, लोग छेड़ देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा, आप सुनने की मानसिकता में हो तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं एक कविता आपको मनोविज्ञान की सुनाता हूँ। आदमी की हरकतें इतनी खराब है साहब, क्या आप अपनी पत्नी को पीछे स्कूटर पर बिठा के अमीनाबाद में घूमिए, आपको कोई मिलेगा वो आपसे बात करेगा पर आप उसका पूरा ध्यान आपकी पत्नी की तरफ रहे। लाइक कीजिएगा इस बात को, ये क्या आपके घर से है? मैंने कहा नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा इसको। आदमी बहुत उलझुल काम करता है, मैंने वहीं से हरकतों से बात पकड़ने की कोशिश की, मनोविज्ञान की कविता है। और मैंने आपसे कहा मैं राजनीति पे और निंदा की कोई कविता नहीं, मैं तो शेयर भी कीजिए करता हूँ, वही कविता सुनाता हूँ। अमेरिका गया तो वहाँ एक शर्त रखी उन्होंने कि साहब आप लालू ममता और ये वगैरह वगैरह की कोई कविता नहीं सुनाएंगे। मैंने कहा साहब एक शब्द भी यदि बोला तो आप उसी समय हवाई जहाज में बिठा देना। मैं आपको लाइक कीजिए कविता मनोविज्ञान की, कीन ऑब्जर्वेशन की सुनिएगा, आनंद आएगा आपको, कहीं हल्की फुल्की बातें आप तक पहुंचने की कोशिश करती, सुनिएगा। एक कौम पाई जाती है आदरणीय केसरीनाथ जी, आप तो सार्वजनिक फील्ड में काम करते हैं, मैं उज्जैन महाकाल के शहर से आता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, इस कौम का नाम होता है रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह, ये होते हैं अनवांटेड सजेशन देने वाले लोग। आप मत मांगिए, ये आपको देंगे, इनको कहते हैं रायचंद, राय बहादुर, इनका एक ही काम रहता है राय दो। ये खुद किराए के मकान में रहते हैं पर आपके बनने वाले 25 लाख के मकान में राय देने आएंगे, इनको कहते हैं रायचंद। मेरे दोस्त
की दादी खत्म हो गई। हम उनको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे, भाई साहब कहाँ ले जाएंगे? सिमरिया। मैंने कहा आप बताइएगा कहाँ ले जाएंगे। बोले आप बहुत उलझल बात करते। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं, गाय वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे। मैंने कहा हरिद्वार। बोले आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहाँ ले जाया जाए। मैंने कहा दुपहरिया भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। सब्सक्राइब। आदमी राय लेना छोड़ता नहीं है। इस बात पे शेयर कीजिए। जाने का काम पड़े तो वहाँ भी एक आदमी आपको मिल जाएगा। कमेंट में बताइए। अशोक भैया ये मोटी वाली लकड़ी अलग रख लो, ऊपर रखने के काम आएगी। ये शमशान तक पीछा करते हैं रायचंद। इनका एक ही काम रहता है, राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे आप दो। बिना फीस के ओके। मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अगले ही दिन रायचंद आ गए। बोले ये हमारे यहाँ से